हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौड़ एंड आई एम रियली सॉरी मैं कल का एपिसोड रिव्यू नहीं कर पाया। पर एनीवे आज का एपिसोड रिव्यू करते हैं। तो आज के एपिसोड में बिग बॉस ने पूछा था तीन कैप्टेंसी उम्मीदवार का नाम लेने के लिए। तो सब लोगों ने अपने अपने रीजंस दिए किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो मेघा ने अपना ट्राई किया कि मैं खुद बन जाऊँ, क्योंकि मेघा ने टास्क अच्छे से परफॉर्म किया था। बिग बॉस ने जो भी उनको जिम्मेदारी दी थी तो उन लोगों ने वो मेघा ने फुलफिल की थी। बट मेघा उसको ठीक से बोल नहीं पाई और शायद से किसने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, ना पुष्कर ने किया, ना सई ने, ना आउट ने, ना शर्मिष्ठा ने। वो सिर्फ अपना अपने बारे में बोल के रह गई और शायद से किसने भी ध्यान भी नहीं दिया कि वो कैप्टेंसी कंटेंडर बन भी सकती है। तो मेघा का बहुत बड़ा पोपट हो गया वहाँ पर। फिर उसके बाद जब सई की बात आई तो सई को मेघा ने पीछे से सपोर्ट किया, फिर पुष्कर ने भी सपोर्ट किया और शर्मिष्ठा ने भी किया। तो इससे पता लग रहा है कि सही के लिए बोलने वाले बहुत लोग हैं पर मेघा को सपोर्ट करने वाले अब शायद से कोई भी नहीं बचा। उनके फ्रेंड्स भी नहीं है कि अगर वो कुछ बोल रही है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। तो मेघा को कैप्टनसी कंटेंडर वो भी बनना नहीं देखना चाहते थे। फिर अब आते हैं तीन उम्मीदवार के। तो लास्ट में सब जन ने मिल के डिसाइड किया कि नंदकिशोर को बनाएंगे और सई को बनाएंगे और रेशम को। तो ये तीन कैप्टनसी कंटेंडर थे और नंदकिशोर शायद से डिजर्व भी करते थे, क्योंकि अगर उनका पूरा टास्क देखे तो उन्होंने फर्मली अपना डिक्टेटरशिप निभाई थी। बट एक ही चीज़ का थोड़ा सा इशू है कि जो भी उनने टास्क किए थे, जैसे मेगा से नाक रगड़वाया था जो एपिसोड में दिखाया नहीं था बट एक्चुअल में उनके पैर पे नाक रगड़वाया था, फिर डांस करवाई थी, मालिशेस करवाई थी, ये सब बिग बॉस ने अपने रूल जो उनको चिट्ठी भेजी थी उसमें लिखा था कि आपको ये सब करवाना है, या फिर वो उनके मन के ये सब चीज़ें थे वो देखना पड़ेगा। सैटरडे के एपिसोड में नंदकिशोर बताएंगे तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर ये सब नहीं लिखा था तो मेरे हिसाब से नंदकिशोर ने ये टास्क थोड़ा रॉन्गली प्ले किया है। वो उनको कुछ और कुछ करवाना था डिक्टेटरशिप में। अगर उनको बिग बॉस ने ये सब दिया था तो ठीक है यार, तब आपने बहुत ही अच्छा प्ले किया है टास्क और आप कैप्टनसी कंटेंडर डिजर्व करते थे। और ये रेशम क्यों डिजर्व करती है मेरे को ये कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि रेशम ने तो सिर्फ वो जो लास्ट में जो बॉम्ब फोड़ा है घर उनके डिक्टेटर के रूम में फोड़ा था, उसके लिए सिर्फ रेशम को कैप्टनसी कंटेंडर बना दिया। उससे अच्छा मेरे हिसाब से आऊ को बनाना चाहिए था। वैसे आऊ तो टास्क नहीं कर पाती बट आऊ का नाम आ सकता था, क्योंकि उनने जो स्टैंड बन के जो कपड़े सुखाने वाला काम किया था वो ही बहुत देर किया था, रेशम से तो अच्छा ही किया था। तो मेरे हिसाब से आऊ का नाम उसमें ज़्यादा डिजर्विंग था रेशम के जगह। तो एनीवे रेशम सही और मेघा थे कैप्टनसी टास्क में। जब कैप्टनसी टास्क के लिए क्लियरली कहा था कि बजर बजेगा तो कैप्टनसी टास्क शुरू हो जाएगा, फिर भी वहाँ पे सही रेडी नहीं हो रही है, वहाँ पे ट्रैक पैंट्स उसको पहनने थे वो भी नहीं पहने थे, फिर मेगा पुष्कर पीछे से चिल्ला रहे, शर्मिष्ठा चिल्ला रही है ये करो वो करो, तो सही उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर लास्ट मोमेंट में उसने चेंजेस किए ड्रेस और तब तक नंदकिशोर ने अपना लास्ट वाला स्पॉट पकड़ लिया था, फिर रेशम ने सेकेंड मिडल वाला स्पॉट पकड़ लिया और सही ने फर्स्ट वाला। तो क्लियरली डिसएडवांटेज है अगर आप फर्स्ट नंबर पर हो। तो सही को पता नहीं क्यों बहुत कुछ चीज़ें में उसका दिमाग चलता है बट जो टास्क जीतने वाली चीज़ें वो उतना वो सीरियसली ले नहीं पाती है, या फिर पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा डम प्ले करती है। क्योंकि ये टास्क में अगर आपको जीतना था तो आपको पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है ये टास्क में, जो सही ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके वजह से ये कैप्टनसी टास्क हारी है और रेशम ये घर की न्यू कैप्टन बन गई है। तो अब इसके बाद बात करते हैं जो स्मिता और मेघा का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पैसों के मामले में, जो 18,000 के कलर्स करवाए हैं मेघा ने। बाप रे 18,000 के कुछ ज़्यादा ही है, बट मेघा ने क्लियरली बताया कि जिस सलून से उसने 18,000 के कलर करवाए हैं वहाँ से वो स्मिता भी करवाती है, इसलिए वो उससे रिकन्फर्म कर रही थी कि स्मिता बताओ वहाँ पर कितने रेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो स्मिता ने बोला नहीं मैंने कभी बाल ही नहीं कलर करवाया, मैंने कभी कंप्लीट ही नहीं करवाया, तो इग्नोर कर रही थी और ऐसा दिखाना चाह रही थी कि मेघा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है और ये सब। और लेक्चर भी दे दिया था मेघा को आऊ के सामने कि आप इतने पैसे में कितने लोगों का भला कर सकते हैं, कितने लोगों को डोनेट कर सकते हैं, 18,000 आपने सिर्फ बालों में वेस्ट कर दिए,
ये सब चीज़ें अगर आऊ बोलती तो एकदम परफेक्टली अच्छा लगता, बट स्मिता बोल रही है ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मेघा ने उसके बाद जो बेइज्जती की है, मैं तो डायरेक्टली बोलूँगा जो बेइज्जती की है स्मिता की, वो स्मिता ने खुद ही इनवाइट की थी वो चीज़ ये सब बोल के, क्योंकि आप खुद वो हेयर सैलून में बाल कलर करवाते हैं और फिर बाद में मेघा को बोल रहे हैं कि आप इतने पैसे खर्च करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। 18,000 तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट मुंबई कुछ दिन तो गुजारो मुंबई में, मैं बस इतना ही कहूँगा। मुंबई में रहने वाले जानते होंगे जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस रहती हैं उनको रहता है यार अच्छा खासा पैसा उनका खर्च होता है, तो करवाते होंगे यार, बड़े स्टार हैं ये सब तो। बट मेघा का यहाँ पे अपना अच्छा अपना अच्छा ही दिखाने के लिए ये सब डायलॉग उस पर सूट नहीं किए, और आओ कहती तो ज़्यादा बेटर रहता, बट स्मिता की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है, अब शायद से रिकवर नहीं हो पाएगी इतनी बेकार तरीके से, बेकार नहीं बोल सकते, बहुत ही सार्केस्टिक वे में किया था, क्योंकि मेघा जो भी बोलती है, किसी की बेइज्जती भी करना रहता है वो भी बहुत सार्केस्टिक वे में करती है, चाहे वो पुष्कर के लिए हो या सही के लिए हो, सुनने में भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं लगता कि यार चिल्ला रही है, तो इंटरटेनमेंट फैक्टर है उसके अंदर। और भले ही वो 18,000 के कलर करवाए या कुछ भी कराए, अगर देखा जाए तो सही भी 50,000 के शूज़ लेके आई है, और उसका एक सिर्फ कलर हो गया था सॉक्स का, या लेस कट गई थी शायद से, है ना, बहुत पहले टास्क था एक, उसमें शायद से रेशम ने चुरा के कुछ लेस वेस खो गई थी या हो गई थी, तब उसने कहा था मेरे 50,000 के शूज़ है और मुझे सेम लेसेस नहीं मिले तो मैं पहनूंगी भी नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो वैसे तो सही ड्रामे नहीं करती है घर में, भले वो कोई भी खानदान से आती हो, अमीर हो या गरीब, तो वो अच्छी बात है उसकी, बट उसने उस वक्त बोला था मेरे 50,000 के शूज़ है, तो ये सब चीज़ें बिग बॉस इग्नोर करते हैं, वो सब तो उतना दिखाते नहीं है फुटेज में, प्लस पुष्कर भी अपनी बातें करता है कि मैं इतने फॉरेन ट्रिप्स करता हूँ, ये करता हूँ, ब्रांडेड क्लोथ्स के बारे में बातें करता हूँ, तो ये भी बिग बॉस दिखाते नहीं है, बट मेघा ने बोल दिया कि मैं 18,000 के कलर्स करती हूँ, तो ये बिग बॉस को दिखाने की क्या ज़रूरत थी, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सब ऑफ टॉपिक बातें हैं, अगर ये सब टॉपिक लेके बैठ गए तब तो बहुत कुछ, बहुत सारे राज खुल जाएंगे, और स्पेशली अस्ताद के जो आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी है मेघा के पीछे, क्योंकि जब कैप्टनसी टास्क चालू था तो मेघा पीछे से उनके केयर कर रही थी, बोल रही थी कि साथ में मत पैर चिपकाओ गिर जाओगे, बट अस्ताद को उसमें भी प्रॉब्लम है, अस्ताद ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैं संचालक हूँ और मेरा ऑर्डर है, कोई नहीं बोलेगा बीच में, तो ये कैप्टनसी टास्क में मेरे हिसाब से अगर आप कुछ कंटेंडर को डिस्टर्ब कर रहे तब प्रॉब्लम होना चाहिए, बोलने से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट अस्ताद को मेरे हिसाब से बोलने से ज़्यादा मेघा से प्रॉब्लम है, वो साफ साफ दिख रहा है, तो लेट्स सी अभी ये सब जितनी भी चीज़ें हुई है मेघा के अगेंस्ट वो कितना इम्पैक्ट करती है व्यूअर्स को, और प्लीज़ आप अपने व्यूज़ कमेंट में बताएं कि ये रेशम डिजर्विंग थी क्या कैप्टनसी कंटेंडर में, और प्लीज़ ये भी बताइए कि जो सही ने गेम प्ले किया कैप्टेंसी कंटेंडर में वो ठीक था, या फिर थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी उसको बना के उतरना चाहिए था, वो भी प्लीज़ बताइए, और अस्ताद की भूमिका आप बताइए कि आपको पसंद आ रहा है क्या, अस्ताद जो अभी न्यू अस्ताद आपको दिख रहा है जो सबके बारे में इतनी बातें कर रहा है और स्पेशली मेगा के बारे में, तो गाइज़ प्लीज़ ये कमेंट डाउन कीजिए, और अब से कोई एपिसोड में मिस नहीं करूँगा, तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट डाउन और मैं रीड करके आपको रिप्लाई करता हूँ, और मिलते हैं कल कल के एपिसोड में, सैटरडे वीकेंड्स अडा।